हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय क्रिएटिव माइंड में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पेन होल्डर बनाना, और वो भी घर में अवेलेबल सारी चीज़ों के साथ। एक तरह से आप कह सकते हैं ये बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। तो इसके अंदर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, ये देखिए। ऐसा कुछ हमारे घर में, हम अगर कोई सामान मंगवाते हैं तो वो बॉक्स के अंदर पैकिंग में ये ऐसे गोल सर्कल में आते हैं। कई बार आपने देखा होगा पंखे के साथ भी ये आता है, तो मेरे घर में ये पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। ये इसकी साइज़ भी परफेक्ट है पेन होल्डर के लिए, तो ये है। इसके अलावा मैंने घर में ही जो हमें चीज़ अवेलेबल हो उसी में से हम बनाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। तो इसके लिए हम बाहर से अलग से चीज़ें क्यों लाएं, घर में जो अवेलेबल है उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेलवेट का कपड़ा पड़ा था, छोटा सा टुकड़ा, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास क्रोशियो का धागा था जो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये यूज़ किया है। मैंने ऊन लिए हैं थोड़े से, अलग अलग कलर में मेरे पास जो भी बचे कुछ आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़े बहुत जो भी बचे हैं वो ऊन मैंने यूज़ किए हैं। और चिपकाने के लिए यहाँ पे ये फेविक्रिल का, ये रेडीमेड फेविकॉल आता है, इस तरह से कॉन शेप में ही आता है, ये कॉन ही बन के आता है। तो ये आपको हार्डली 10-12 रुपये में मिल जाएगा। तो ये मेरे पास पड़ा ही रहता है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो ये है। या फिर आपके पास फेविकॉल हो, ग्लू गन हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब हम इसको पहले अच्छे से सूखने देते हैं। यहाँ पे सूखने के लिए मैं इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ऐसे ही मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पे, हमने जो ये क्रोशियो का धागा लिया है इसकी हम चोटी बनाएंगे। ये मैंने अंदाजन दिया है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट कलर में या फिर 2-3 कलर मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रोशियो का धागा नहीं है तो आप जो हमारे पास ऊन है उस ऊन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी चोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये क्रोशियो की धागे से मैंने इसकी चोटी बना ली है। आपको अगर कोई और आइडिया आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चोटी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको पहले इसको सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से चिपका देंगे। तो इन दोनों को हम सूखने के लिए ये साइड में हम रख देंगे इसको।
तो फ्रेंड्स मैंने ये वुवन में से मैंने ये पॉम्पॉम रेडी कर लिए हैं। इस तरह से मैंने एक एक ही हर एक कलर का पॉम्पॉम लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लगाना। और ये देखिए अच्छे से सूख चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला है इसलिए हमें दाग दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ये अच्छे से सूख चुके हैं और यहाँ पर ये मैंने ये ओपन ही रखा है। अब हम इसके नीचे यहाँ पर बेस लगाएंगे। बेस लगाने के लिए मैं यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नीचे पेपर लगा लिया है, ये अच्छे से हमारा चिपक गया है और ये भी हो गए हैं। ये देखिए ये इसे अनइवन शेप में ही लगाने हैं और इसको भी हम इसके आसपास में लगाना स्टार्ट करेंगे।